फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति'स किचन। आज स्वाति आपके साथ लेके आई है दोस्तों एकदम जबरदस्त डिश जो हम हमेशा बाहर से मंगवा के खाते हैं, कभी हम लोगों ने घर में ट्राई करने का सोचा ही नहीं। जी हाँ, आज हम आपके साथ लेके आए हैं जलेबी, वो भी बिल्कुल इंस्टेंट वाली जलेबी जो आप फटाफट बना के खा सकते हैं जब भी आपका मन करे। बारिश का मौसम हो, मेहमान कोई घर में आ गया हो, आप फटाफट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी ले ली है। जितना हमारा चीनी है डबल उससे हमें पानी लेना है। अभी मैंने सिर्फ पानी का मेजरमेंट बताया है। यहाँ पे मैंने ये 1/3 कप मैदा ले लिया है, साथ के साथ मैंने लिया है राइस फ्लावर। ये चावल का आटा है, इससे जलेबियां कुरकुरी और क्रिस्पी रहेंगी, वो भी बहुत लंबे टाइम तक। आप देखते होंगे जब हम जलेबी लेके आते हैं, अगर हम उसे थोड़े टाइम रख देते हैं तो वो जलेबी एकदम सॉफ्ट हो जाती है, पर चावल के आटा डालने से जलेबियां हमेशा कुरकुरी बनी रहेगी। साथ में मैंने यहाँ पे बिल्कुल पिंच ऑफ लिया है मैंने यहाँ पर खाने वाला कलर, जो इस केसर कलर, इसे आप अवॉइड भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप इसे डाल भी सकते हैं, बस होगा क्या कि इससे जलेबी में कलर अच्छा आएगा। और साथ के साथ मैंने यहाँ पे लिया है बेकिंग सोडा जो हमारी जलेबी को खमीर उठाने में मदद करेगा। अगर आपके पास खाने वाला सोडा नहीं है दोस्तों तो आप इसकी जगह इनो का भी यूज कर सकते हैं, पर बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में। तो चलिए बनाना फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जलेबी बनाने से पहले हमें चाशनी रेडी करना जरूरी है। मैंने यहाँ पे लिया है पैन, इसमें जो ये मैंने शक्कर ली है ये शक्कर को मैं ऐड कर दूंगी। ये आप अपना मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितना आपको लेना है। ये मैंने यहाँ पे जितना शक्कर ली है जस्ट उसका डबल ही मैं पानी ऐड करूंगी। ये मैं यहाँ पे 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ, ये देखिए। और इस चाशनी को बनाने हमको चाशनी बिल्कुल तार वाली नहीं चाहिए, जैसे हम गुलाब जामुन रसगुल्ले की चाशनी बनाते हैं ना, एकदम मतलब चाशनी से शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए और 2-3 बार अच्छे से बॉइल हो जाए और वो चाशनी तैयार हो जाती है जलेबी के लिए। हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना, तो अभी फिलहाल हम इसे अच्छे से बॉइल होने देते हैं। जलेबी का बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 4 टेबल स्पून मैदा लिया है, इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफर कर लूंगी। आप सोचेंगे बस 4 टेबल स्पून मैदा, पर आप यकीन मानिए 4 टेबल स्पून मैदा में ही इतनी जलेबियां बनेगी कि आप खाते खाते परेशान हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून चावल का आटा लिया है। मैंने पहले भी बताया था कि चावल का आटा मैं जलेबियों को क्रिस्पी करने के लिए ऐड कर रही हूँ। इन सब चीजों को मैं मिक्स कर लेती हूँ। साथ के साथ मैंने यहाँ पे लिया है सोडा, बिल्कुल पिंच ऑफ हम खाने वाला सोडा यूज करेंगे जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और इसी के साथ जलेबियों में अच्छा कलर देने के लिए मैं यहाँ पे पिंच ऑफ केसरी कलर यूज कर रही हूँ। और इन सभी चीजों को पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। पर जलेबियों को क्रिस्पी करने के लिए ऑलरेडी मैंने इसमें चावल का आटा मिक्स किया है और साथ के साथ मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड करूंगी, बिल्कुल 1/2 चम्मच। इससे क्या होगा, जलेबियां बहुत लंबे टाइम तक क्रिस्पी रहेंगी और जलेबियों में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है, घी अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक बिल्कुल पतला सा बैटर बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, बैटर बनके बिल्कुल तैयार है। अब इस बैटर में मैं यहाँ पे बिल्कुल पिंच ऑफ इलायची ऐड करूंगी और 1/2 टेबल स्पून इलायची मैं चाशनी में ऐड करूंगी। मैंने चाशनी में भी इलायची ऐड कर दी है साथ के साथ और इसको मैं अच्छे से मिला लूंगी। आप देख सकते हैं बैटर इस तरह से होना चाहिए कुछ, तभी आपकी जलेबी एकदम परफेक्ट बनेगी। अब ज्यादा देर ना करते हुए इस बैटर को फटाफट से भर लेते हैं। अगर आपके पास शीशी है जिसमें मतलब आगे से जो ढक्कन है उसमें अगर होल है तो आप उसे शीशी की सहायता से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास शीशी नहीं है, देखिए मैं यहाँ पे ये मैंने ऐसा पाइपिंग बैग ले लिया है, आप जिप लॉक वाली पॉलिथिन भी ले सकते हैं। ये पाइपिंग बैग में मैं इसे अच्छे से फिल कर लूंगी। एक बार चाशनी पे भी नजर डाल लेते हैं। ये देखिए इलायची मैंने डाल दी है, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और चाशनी भी काफी अच्छे से बॉइल्ड हो ही रही है। बस अब मैं इसका गैस का फ्लेम टर्न ऑफ कर देती हूँ और इस चाशनी को साइड में रख देती हूँ। ये देखिए चाशनी को मैंने साइड में रख दिया, चाशनी बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है, हमें चौड़े मुंह का बर्तन चाहिए जिसमें जलेबी अच्छे से फ्राई हो सके, तो मैंने यहाँ पे फ्राई पैन का यूज करा है। आप अपने हिसाब से कढ़ाई भी ले सकते हैं, कोई भी ऐसा पार्ट ले सकते हैं जो चौड़ा हो जिसमें हम जलेबी अच्छे से तल पाए। देखिए फ्रेंड्स, जलेबी के बैटर को मैंने
ऐसे पाइपिंग बैग में डाल के एक इसका कोन बना लिया इजी वे में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस में। देखिए फ्रेंड्स, ऑयल अच्छे से हीट हो गया है। जो ये पाइपिंग बैग में मैंने बैटर भरा है, इस बैटर को मैं आगे से अपने अकॉर्डिंग काट लूंगी। आपको जितनी मोटी पतली जलेबी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग काटिएगा। और अब हम बनाना शुरू करते हैं गरम गरम तेल में जलेबियां। ये देखिए फ्रेंड्स, फटाफट से जलेबी बनके घर की तैयार है। तो इसी तरह से मैं जलेबियां बना दूंगी। सब शेप की चिंता बिल्कुल मत करिए, सब खाना ही है, तो ऐसा नहीं है कि गोल ही आना चाहिए। ये देखिए, और चावल के आटे से बहुत ही ज्यादा कुरकुरी हो जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, जलेबियां बन रही हैं और आप इसे बिल्कुल जब पलटेंगे बहुत ही सावधानी से पलटना, क्योंकि जलेबियां बहुत ही पतली बना रही हूं मैं, क्योंकि खाने में बहुत ज्यादा क्रिस्पी होने वाली है जलेबियां। और साथ के साथ जब आप इसे पलटेंगे तो ये फोर्क का यूज करिएगा, इससे देखिए ये जलेबी बहुत इजीली पलट जाएगी और अच्छे से चेंज भी हो जाएगी। अभी मैं ये देखिए काफी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। फोर्क की सहायता से बस मैं इसे निकालती जाऊंगी धीरे धीरे। ये जलेबियां काफी कुरकुरी और पतली है, तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको निकाल लूंगी बहुत इजी वे में। सर्वाइड मुझे यहाँ पे पहले निकाल लेना है अच्छे से, ये बिल्कुल इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, जलेबियां बनके बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं ये घर की बनी जलेबियां हैं और बहुत ही कम सामान में मैंने इसे बना के तैयार किया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी दोस्तों, तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, वन थिंग, जब भी आप जलेबियां बनाएंगे, जैसे ही आप उसे ऑयल से निकालेंगे, आप उसे गरम गरम चाशनी में बिल्कुल मत डालिएगा, वरना आपकी जलेबियां एकदम लूज हो जाएंगी और खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। जलेबी को थोड़ा रख दीजिएगा और चाशनी एकदम आप ठंडी लीजिएगा, तब इन जलेबियों को आप चाशनी में डिप करिएगा। डिप करने के बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरी जलेबियां, और मैं इसका एक छोटा सा ये तोड़ के दिखाती हूँ। ये खाने में भी बहुत क्रिस्पी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।